हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्लाइमेट। और यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जो कि है 7324914295। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बिना देर के चैप्टर को शुरू करते हैं, क्लाइमेट हमारा, ठीक है। तो देखिए, अक्सर क्या होता है, क्लाइमेट में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा आज। बस आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो क्लाइमेट भी एक तरह का जो है वेदर होता है, मौसम होता है। जिस तरह से आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट और वेदर के वेरिएशंस, ठीक है, उसके डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरह वेदर एक तरह का मौसम होता है, वैसे भी क्लाइमेट भी एक तरह का मौसम होता है, लेकिन इसे हम छोटे एरिया में ना देख करके बड़े एरिया में देखते हैं, ठीक है ना। कि बड़े एरिया, किसी भी स्टेट का जो बड़ा एरिया है, उसका मौसम क्या है, उसे हम देखते हैं कॉमन करके, ठीक है। तो इसको डिफिनेशन देख लीजिए थोड़ा। क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है कि जो हमारा मौसम का जो कंडीशन होता है, वो यहाँ पर वेरी करता है, कौन से एरिया में, बड़े एरिया में यहाँ पर देखता है, जो कि लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है, लंबे समय से चला आ रहा है और वहाँ पर बड़े एरिया में हो रहा है, कि बड़े एरिया में जो मौसम यहाँ पर हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, लंबे समय से, वो हमारा होता है क्लाइमेट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आ गया वेदर। वेदर क्या होता है, वेदर भी हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लाइमेट को वेरीफाई करने वक्त में, ठीक है, वेरी करने वक्त में, कि एक तरह का मौसम होता है। तो वेदर जो होता है वो छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे स्टेट में, ठीक है ना, उसमें देखा जाता है। जैसे आप लोग डेली के आप अपने फ़ोन में वेदर चेक करते होंगे फ़ोन में, तो वहाँ पर डेली का आपको डेटा अलग दिखाता होगा मौसम का। कभी बारिश होती है अचानक से, कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी बारिश होने लगती है, कभी अचानक धूप उग जाता है, कभी अचानक टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाता है। तो ये हमारा आ जाता है वेदर में। वेदर में हर चीज़ का जो मौसम का संभावना या फिर कुछ भी चेंज होता है, ये हमारा आता है वेदर में। लेकिन क्लाइमेट में आता है हमारा बड़ा एरिया में, बढ़िया एरिया लिया जाता है उसमें, लंबे पीरियड टाइम, ठीक है। तो वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। वेदर हमारा ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स वेदर और क्लाइमेट के, कुछ एलिमेंट्स भी होंगे, क्या क्या वेरी करते हैं। तो टेम्परेचर हमारा इसमें जरूरी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, विंड होता है, ह्यूमिडिटी होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, रेनिस्ट्रेशन मतलब रेनफॉल होता है, बारिश होगी, ठीक है, हवा पानी चलेगा, ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पर वेरी करेगा, ह्यूमिडिटी चलेगी, हल्की हवा, यहाँ सब कुछ चलती है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए वेदर और क्लाइमेट के। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब हम जानते हैं मानसून क्या है। मानसून हमारा ये भी हमारा एक क्या है, सीज़न होता है, जिस तरह आपका रेनी सीज़न होता है, समर सीज़न, विंटर सीज़न, ठीक है, उसी तरह मानसून सीज़न भी होता है। तो हमारा इंडिया जो है वो मानसून टाइप का ही क्लाइमेट है, क्लाइमेट का ये जो है मानसून टाइप है इंडिया हमारा, ठीक है। आप यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा किस तरह से, यहाँ पर आप लोग कभी कभार देखते भी होंगे, ठीक है, जब बारिश होने वाली होती है उस समय कैसा हो जाता है। तो मानसून टाइप का क्लाइमेट है हमारा इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। और ये जो क्लाइमेट है मानसून, ये ज़्यादातर क्या होता है कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी इलाके में, एशिया के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी इलाके में पाया जाता है, और साउथ में तो होता ही है दक्षिण में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट सर्विस से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। इन मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इट इज़ बेस्ड ऑन वेरिएशन इन विंड डायरेक्शन। अब देखिए, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होगा कि यहाँ पर जो ये मानसून है वो किस पे बेस होता है, विंड के डायरेक्शन पर, विंड जो कि हवा का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है उसी। देखो आप लोग यहाँ पर, जैसे कि जिस आप लोग देखे होंगे, जब बारिश होती है तो जिस तरफ ज़्यादा बादल लगा हुआ होता है उस तरफ बहुत भयंकर बारिश होती है। जैसे काला काला जहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी क्लाउड्स आप लोगों ने देखा, तो वहाँ पर ज़्यादा हाई अमाउंट में वहाँ पर बूंदें गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह वेरी करता है विंड का डायरेक्शन, जिस तरफ विंड का डायरेक्शन जाएगा वहाँ का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट अचानक से चेंज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ने टेम्परेचर यहाँ पर मैंने फिगर भी डाला है कि यहाँ पर देखिए विंड का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, मैक्स ईएनई की तरफ जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर 30.8% है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अब हम देखते हैं, वी हैव मेन थ्री सीजन। आप लोगों को सीजन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, साल भर में सीजन की कमी नहीं है, बहुत सारे सीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली जो सीजन माना गया है वो तीन सीजन माने गए हैं, विंटर, समर और रेनी।
विंटर मतलब जा रहा, जो कि अभी आप लोगों को चल रहा है, ठीक है। दिसंबर आ चुका है तो अभी तो ठंड बढ़ ही रही है, जैसे कि नवंबर से ठंड ठंड चल रही है, फरवरी तक चलेगी बहुत भयंकर। और समर हमारा एक सीज़न है जो कि अप्रैल मई जून से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो सितंबर अक्टूबर तक तो चलता रहता है। फिर हमारा एक सीज़न होता है रेनी भी, तो रेनी जो है वो समर सीज़न में ही आता है, जो कि होता है मई टू जुलाई, मई जून जुलाई समय होता है बारिश समय, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर साल भर में तीन मेन सीज़न होते हैं, विंटर, समर और रेनी। अब यहाँ पर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब कॉन्सेप्चुअल क्लासेस पर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टैप कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इन समर टेम्परेचर ऑफ राजस्थान रीचेज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। अरे जो गर्मी जो होती है वो राजस्थान में जो टेम्परेचर होती है गर्मी में वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, जो कि आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप लोगों को राजस्थान के बारे में और भी कुछ बहुत सारी बातें बताऊंगी टेम्परेचर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होती है, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और एक और एग्जाम्पल अगर ले लें हम, तो इन समर टेम्परेचर ऑफ पहलगाम रीचेज अप टू 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द वेरी हाई टेम्परेचर फॉर पहलगाम, ठीक है। अब यहाँ पर पहलगाम का टेम्परेचर बता रहा है समर में, जो कि पहुँच जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाता है ये, ठीक है। जो कि यहाँ पर पहलगाम के लिए अपने लोगों के लिए क्या हो गया, ये ठंड का मौसम हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ठंड का विंटर का टेम्परेचर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पहलगाम के लिए जो ये टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें ना, विंटर। अब ठंड की थोड़ा बात कर लेते हैं, अब कितने गर्मी की बात करोगे यार, ऐसे भी गर्मी जा चुकी है, गर्मी की ज़्यादा याद मत करो, यहाँ से गर्मी भी आ जाएगी, ठीक है। तो नाउ इन विंटर, तो विंटर में क्या होता है, एक ड्रास है, जगह का नाम है, जो कि कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में ड्रास जगह। अब यहाँ पर कोई होगे तो आप लोगों को पता ही होगा, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ड्रास का, वो -45 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है ठंडा में, समझ सकते हो आप लोग। यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस हो जाती है हमारे यहाँ, तो कितनी ठंडी पड़ने लगती है, कितनी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि बस फिगर में आप लोग देख रहा होगा कि गाड़ी वगैरह जा रही है और वहाँ पर बर्फ़ की लेयर जमी हुई है पूरी, ठीक है। रोड यहाँ पर प्लेन नहीं होकर के वहाँ पर पत्थर की तरह वहाँ पर उगा हुआ है, सारा सारा जम चुका है, -45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हम लोग तो वहाँ पर जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो खोखला हो जाएंगे, ठीक है। तो ड्रास का जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है विंटर में, ठीक है। ये मेरा नंबर है 7324914295, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम तिरुवनंतपुरम की टेम्परेचर की बात करें ठंड में, तो वो वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस होती है, जो कि यहाँ अब इस मत सोचना कि 20 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी या फिर ठंडी, बिल्कुल ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी विल नो अबाउट थार डिजर्ट। अब हम बात करते हैं थार डिजर्ट के बारे में। अब थोड़ा सा आप लोग कुछ अलग भी बता दूं मैं कि थार डिजर्ट क्या होता है, ये भी एक प्लेस होता है जहाँ पर अचानक से जो टेम्परेचर है वो गिरती है और अचानक से टेम्परेचर बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम थार डिजर्ट की बात करें, तो यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा होगा इस तरह का होता है थार डिजर्ट, ओके। कहीं पर आप लोग घूमने के लिए गए भी होंगे तो देखा होगा आप लोगों ने, रोड से यहाँ पर बहुत सारे जगह ऐसे मिलते हैं। तो थार डिजर्ट में क्या होता है, सुबह के टाइम में 50 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी भयंकर गर्मी पड़ती है, और नाइट के टाइम में 15 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है सुबह में और अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ती है रात में, यानी जो वेदर है, मौसम है, वो इक्वल नहीं चल रही है। यानी ऐसा होता है ना, जैसे हमारे यहाँ सुबह में गर्मी रही गर्मी के मौसम में, तो रात को भी थोड़ा सा गर्मी हमें महसूस होता है, लेकिन थोड़ा सा 3 या 4 डिग्री सेल्सियस वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप लोग थार डिजर्ट पर, तो यहाँ पर सुबह में अचानक सी जो 50 डिग्री सेल्सियस होती है दोपहर के टाइम में, और रात में अचानक से ठंडी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा केरला एंड अंडमान की, केरला अंडमान आइलैंड के बारे में बात करते हैं। तो केरला और अंडमान में क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम डे एंड नाइट टेम्परेचर। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, जितना ही दिन में होता है टेम्परेचर, उतना ही रात को भी होता है टेम्परेचर। यहाँ पर आप लोग फिगर के हिसाब से आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो ग्रीन कलर का लाइन जा रहा है वो एक तरह का सीधा जा रहा है, उसी तरह से यहाँ पर डार्क वाला जो ब्राउन कलर है वो सीधा जा रहा है, यानी स्ट्रेट है, यानी दोनों, यानी डे का टेम्परेचर और नाइट का टेम्परेचर यहाँ पर दोनों सेम है, ठीक है। अब हम जानते हैं एनुअल प्रिसिपिटेशन के बारे में। एनुअल प्रिसिपिटेशन क्या है, हमारा जो टेम्परेचर यूज होता है, ठीक है, पूरे साल भर में उसका एनुअल प्रिसिपिटेशन हमें मिलता है।
तो एनुअल प्रिसिपिटेशन जो मेघालय में है वो है माइनस नहीं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर लगा हुआ है हाइफन है, 400 सेंटीमीटर। मेघालय में जो एनुअल प्रिसिपिटेशन होता है वो 400 सेंटीमीटर होता है, और लद्दाख और वेस्ट बंगाल की बात करें एनुअल प्रिसिपिटेशन की तो वो बस 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप लोगों को मेघालय का मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए आप 400 सेंटीमीटर किस तरह से जा रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को लद्दाख और वेस्ट बंगाल का मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर, जिस तरह से आप लोग ग्राफ में यहाँ पर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में क्लाइमेट के। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, आप लोग अपने स्कूल वाले ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो, और जल्द ही मिलूंगा मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए।